अभी डंडा मतलब बजाना बाकी रह गया है। इतने पैसे दे के तुझे वैसे उड़ा के आ गया तू, बेफालतू की चीज़ में। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस मेहरा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज का सीन यह है कि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी काफ़ी है और सुबह सुबह ही हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। और पीछे देख सकते हैं खेत तो खाली हो चुके हैं और खेतों में चुग रही है बकरियां। और आज जो मैंने मेन काम करना है वो है ड्रम में गेहूं डालने हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं गेहूं सुखा के वैसे रखे हुए। रोज़ मौसम ख़राब हो जा रहा है, कभी आंधी आ जा रही, कभी बूंदाबांदी हो जा रही है। तो कल से थोड़ा मौसम ठीक है, तो कल ये ड्रम धोया था मैंने तो ये सुखाने डाल दिया है, तो अभी अच्छी तरह सूख चुका है। और पीछे देख सकते हैं अंदर गेहूं कट्टू में भर के रखे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं नीचे, तो ये गेहूं ऐसे पड़े हुए हैं कट्टू में, ये ऐसे बिखरे हुए हैं अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम 2-3 दिन से लगातार ख़राब हो जा रहा था। तो आज ये काम पहले फाइनल करना है सबसे पहले। और ये प्रियांशु आ चुका है खेलने से, ये भी अभी तक खेलने गया था क्योंकि क्या आजकल खेत खाली हैं। तो प्रियांशु हेलो नमस्ते बोलो। हेलो नमस्ते। हाँ, तो अभी ये मेरे साथ हेल्प करेगा। और ये है कोको, ये छाया में सोया पड़ा है मस्ती के साथ, क्योंकि रात भर ये उछल कूद मचाता है। तो प्रियांशु कह रहा है इसके नाखून में कहाँ उखड़ा है। अरे यार क्या कर रहा था ये, कुछ ना कुछ कर रहा होगा उल्टे काम रात में, तो ठीक हो जाएगा अभी। तो इसके नाखून में थोड़ी सी चोट लगी हुई है हल्की सी, ठीक हो जाएगा, ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक ठीक। अरे तो सबसे पहले हम इन कट्टों को बाहर करेंगे और ड्रम को अंदर रखेंगे बढ़िया से, उसके नीचे पन्नी वन्नी लगा कर और उसमें डालने के लिए दवाई रेडी करेंगे और फिर उसके बाद गेहूँ डालना स्टार्ट करेंगे उसमें। प्रियांशु ने स्टार्ट कर दिया है काम और गेहूं निकालना शुरू कर दिया है। ये देख निकाल निकाल लेगा, रुक जा गिरेगा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे गिरा मत देना यार, बड़ी मेहनत से कट्टू में डाले हैं, आराम से रख, ये काम करना है फटाफट 1-2 घंटे में, आज हो जाएगा तो हो जाएगा, ये बहुत दिन हो गया ऐसे लटके हुए, मौसम फिर खराब ही हो रहा है। गेहूं के कट्टे कर दें सारे बाहर और धूप तो मत पूछो आज, हो बहुत ही गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर ही जल जाएगा। और अंदर अभी थोड़ा जगह हो गई है, अब यहाँ से हम ड्रम ले जा सकते हैं आराम से और यहाँ पर रखेंगे ड्रम जो नीचे दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हम रखेंगे पन्नी, क्योंकि ड्रम में बिल्कुल भी सीलन नहीं लगनी चाहिए। तो ये प्रियांशु, इसने जब से गेहूं निकलने स्टार्ट हुए हैं पेप्सी पेप्सी करके मेरा दिमाग का दही बना दिया है और रोज़ पेप्सी पेप्सी कहता है और रोज़ पेप्सी पीता है, क्योंकि जब मैं ड्यूटी चले जाता हूं तो ये अपनी मम्मी से कह के पेप्सी लाता है और पीता है, और फिर दोबारा मैं काम के लिए बोलता हूँ तो फिर पेप्सी बोलता है। तो अब ये लड़का नहीं कूटेगा तो कौन कूटेगा, कूटेगा पेप्सी कूटेगी, नहीं तू कूटेगा। तो फिलहाल तो हम रखते हैं फटाफट ड्रम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्मी भी बढ़ते जा रही है।
तो ड्रम का मुंह हमने बिल्कुल सील कर दिया है, अब इसके अंदर बिल्कुल एयर नहीं जाएगी क्योंकि एयर यहीं से जाती है। और अभी हम तैयार करेंगे अब दवाई, इस गेहूं में डालने के लिए दवाई। गर्मी बहुत हो रही है तो दवाई की छोटी छोटी कपड़े में बांध के पुड़िया बनाएंगे 5-6 और डालते रहेंगे। तो ये बन चुकी है दवाई की पुड़ियाएं, 1, 2, 3, 4, 5 करीब 10 बार पुड़िया बना दी है। तो इसको अब हम हर लेयर पे एक एक दो दो डालते रहेंगे ताकि इसमें घुन ना लगे, कीड़ा ना लगे और गेहूं ख़राब ना हो। तो अब हम गेहूं डालना स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि बाहर भी मौसम ऐसा लग रहा है कि ख़राब होगा। कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है आंधी आएगी। तो फटाफट अब हम करते हैं काम शुरू। चल पेंचू, गेहूँ आखिरकार हमने ड्रम में डाल दिए हैं। और अभी बाहर थोड़ा सा कट्टे बट्टे और गेहूँ बिखर गए हैं उठाने में, तो अभी वो देख सकते हैं, वो निक्की उठा रही है उनको, वो साफ़ करेगी। और बाकी जो ये कट्टे बट्टे पल्ली बुल्ली बिखरी हुई है, इसको हम अभी फोल्ड करके अंदर रख देते हैं। और मौसम भी ख़राब हो रहा है क्योंकि आंधी तूफान भी आ सकता है आजकल, कोई पता नहीं कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब बारिश आ जाए। तो हमने आखिर बाजी मार ही ली है और गेहूं सारे रख दिए, ड्रम में डाल दिए हैं। और थोड़ा बहुत गेहूं नीचे बिखर गए हैं तो वो अभी निक्की उठाएगी। और मुझे लग चुकी है बहुत तेज़ पानी प्यास, निक्की गई है पानी लाने, पहले तो मैं पीता हूँ पानी। तो आ चुका है मेरा पानी, ठंडा ठंडा एकदम नल का शुद्ध और ताज़ा पानी। तो बहुत प्यास लगी है, पहले मैं पीता हूँ पानी, फिर करता हूँ आपसे बात।
वास्तव में जल ही जीवन है, इसलिए पानी को हर किसी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीने का पानी पृथ्वी पर सीमित है और जो आने वाले कई सालों बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पीने का पानी कभी भी ज़्यादा व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आदमी भूखा रह सकता है दो चार दिन, लेकिन प्यासा नहीं रह सकता। मौसम आज कुछ खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाम होते होते आंधी तूफान बारिश आ सकती है। हवा चल रही है तेज और काले काले बादल लगे हुए हैं आसमान में। तो पी लिया है मैंने पानी और काम भी हो चुका हमारा, और पीछे प्रियांशु लड़के ने मेरा दिमाग का दही बना दिया, पेप्सी लाओ करके। तो अभी लाएंगे पेप्सी, ए कल लाएंगे, अब टाइम नहीं है इतना। तो पैसे तेरे पास थे, कहाँ हैं वो जो गेहूँ बेचे थे उसके पैसे कहाँ गए हैं? अभी डंडा मतलब बजाना बाकी रह गया है, इतने पैसे दे के तुझे वैसे उड़ा के आ गया तू बेफालतू की चीज़ों में, और पेप्सी मेरे लिए मम्मी से मांग रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रियांशु दिमाग ख़राब कर देता है पेप्सी पेप्सी करके, जबकि इसके पास गेहूं थे, दो 250 के गेहूं बेच के आए, पता नहीं क्या नमकीन चिप्स वगैरह वगैरह खाने में उड़ा दिए, और अब पेप्सी पेप्सी करके मेरे पीछे पड़ा है। पेप्सी पिलाऊंगा इसको लेकिन कल को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है अभी ड्यूटी। देख टाइम कितना हो गया, 11 बज गया है, अभी नहाना धोना है, फिर उसके बाद मुझे ड्यूटी के लिए तैयार होना ना। आज कोई उचित समय नहीं है, कल आराम से पियेंगे। तो इधर ये निक्की ने सारे गेहूँ बटोर दिए हैं, वेरी गुड। निक्की ख़राब वाले एक में डालना और वाले एक में, और शाम को मम्मी से कहना इनको उड़ा उड़ के कट्टे में डाल, ठीक है? एक एक दाना उठा लेना, एक एक दाना कीमती है, ठीक है? जिसको देखो, जो बेचारे भूखे रहते हैं उसको पता है कि एक दाने की कीमत, एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए कहीं भी। बढ़िया से उठा के एकदम अंदर रख दो, लाता हूँ तेरी पेप्सी में ढंग से। पेप्सी पेप्सी करके दिमाग ख़राब कर रखा है, कल लेके आऊँगा करके समझ में नहीं आती बात है, चुप हो जा। तो जैसे ही हमने गेहूँ रखे, आसमान में एकदम काले काले बादल उमड़ कर आ चुके हैं, और धूप तो अभी गायब हो चुकी है और हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में आंधी या बारिश कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगी, क्योंकि बहुत ही काले काले बादल आ गए हैं, एकदम काले काले बादल आ गए हैं चारों तरफ। तो अब तो धीरे धीरे बरसात का मौसम ही आ जाएगा। और प्रियांशु ने मेरा जो दिमाग ख़राब किया है पेप्सी पेप्सी करके, पूछो मत। मैं तो कह रहा था कल लाएंगे आराम से तब पियेंगे, लेकिन वो लड़का माना नहीं, उसने मेरे दिमाग का दही बना दिया, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो लास्ट में मुझे थक हार कर उसको पैसे देने पड़े, और वो गया है अभी पेप्सी लेने, क्योंकि उससे बहुत काम कराया था मैंने, बहुत काम किया, बहुत हेल्प की उसने, तो इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और बच्चा ही है वो, हम भी जब बच्चे थे तो ऐसी जिद करते थे अपने माँ बाप से। तो आ चुका है वो, ये देख सकते हैं, ये आ चुका है पेप्सी लेके। ला बाकी पैसे इधर दे। अब तो खुश पेप्सी, ये पेप्सी एप्सी कोई, ये सब बेकार चीज़ें हैं ये, ठीक है जी। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।